अरू ठिकै हुनुहुन्छ? एकदम कहाँदेखि आउनु हो तपाईँले? इन्डिया से? कहाँ तक पहुँच्ने हो? कहाँ तक पहुँच्ने? कहाँ तक हो त? अहिले उता गराउँ क्या त? यही गरौँ नि, कस्तो आउनुहोस् कि बैठे कहाँ बैठे? पुरा वापसी समेत लागेको धोती बैठे न लालाजी। हजुर बताइए। इन्डिया जानु भएको छैन तपाईँ? इन्डिया बहुत घुमेँ यहाँ। कहाँ तक? लखनऊ तक? लखनऊ, दिल्ली, शिमला पहाड़। क्या क्या कराए थे? क्या करेंगे, आलू का काम करते थे, आलू का खेती। कितने साल? पाँच साल। पाँच साल तक इंडिया में रहते हो? पाँच साल तक रहते इंडिया में। इकली? पाँच साल। की बीवी के साथ? बीवी था, गर्लफ्रेंड भी था, सब कुछ था। था शिमला पहाड़, अभी भिलाई, रायपुर, ये क्या बोलते हैं हमारो, पटना, पटना भी रहे हैं, गुजरात। और नेपाल, विश्व के और कौन कौन देश आप घुमाए और फिराए? विश्व का और जापान घूमे हैं हम, थाईलैंड घूमे हैं। जापान भी गया है? मैंने नेपाल घूमे हैं। जापान कितने साल बैठे हैं आप? जापान 15 दिन। क्यों गया है? टूरिस्ट विशाल? टूरिस्ट। क्यों क्यों वापस आया था? टूरिस्ट में घुमा, पैसा भी खत्म हो गया, वापस आए। और थाईलैंड में? थाईलैंड में भी टूरिस्ट। टूरिस्ट वीसा में 20 दिन बैठे? कितने दिन? 20 दिन। अरे वहाँ से कहाँ पहुँचे? वहाँ से फिर पहुँचे है, वहाँ से सीधा इंडिया। इंडिया? इंडिया कितने साल बैठे हैं वहाँ? इंडिया तो 5 साल तक बैठे हैं। पाँच साल तक आते जाते चलते रहता है। चलते रहता है। क्या करते हैं वहाँ? वहाँ तो पहले बताया, आलू का खेती था हमारा, थोड़ा कुछ और अरेबियन कंट्री। और अरेबियन कंट्री में गए, कतार। कतार में बैठे? कितने साल? कतार, मलेशिया। कितने साल कतार में? वैसे टूरिस्ट में 2 महीना। 2 महीना मलेशिया बैठे, 2 साल। मलेशिया में क्या करते हैं? सिक्योरिटी? मलेशिया में एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या फसल लगाता है क्या? और बिजनेस करता है? और क्या बिजनेस? उसका तरकारी को मार्केटिंग करता है। एक में उसको मलेशिया में एक फल बताए, उसको सब्जी खाते हैं, उसको बोलते हैं मलाई भाषा में कमचैंग। कमचैंग का मतलब होता है फूल। तो उसको हम लोग फाड़ते थे, उसको तरकारी बनता है, उसको तरकारी खाते हैं। कितने कितने केजी का कितना पड़ता है? एक वो टाइम में आपको एक एक घंटा में अगर आप 3 केजी नहीं फाड़ सकते हैं ना, तो आपको जॉब से निकाल देगा। आप कितनी केजी तक फाड़ते? मैं फाड़ते थे 6 केजी तक। 6 केजी तक। सैलरी कितने है आपका? सैलरी तो मेरा बहुत कम था, लेकिन हमारा ठेका था, तो बॉस बोला था तो पहले, लेकिन सैलरी में किए पीछे बॉस से जान पहचान हुआ, उसके बाद में बॉस ने बोला कि तुम काम करो, आप करेंगे। उसके बाद में मैंने काम किया, मेरे को काम सब कुछ आता था, कैसे निकल जाता है, कैसे निकालना है उसको, जो फूल निकलता है ना, फूल को मेडिसिन से कैसे निकाली जाता है, उसको मेरे को सब मालूम था। ट्रेन हुआ बहुत क्लियर, मुझे बहुत पता था। उसके बाद में मैंने काम किया, हम लोग बांटते थे 1 महीना में लगभग 7,000 रुपया पड़ता था। नेपाली कितने दाम होता है? उस समय में मेरे को नेपाली लगभग 20-25 हज़ार। 20-25 हज़ार उस टाइम समय। तो कितने साल पहले की बात है? ये लगभग आपको 20 साल। 20 साल पहले? वो तो काफ़ी पैसा है। काफ़ी पैसा है। अभी क्या होगा, अभी कुछ अभी होगा 20-25 हज़ार होगा, उस टाइम में मैं उतना कमाता था। अरे कतार में क्या कर रहे हैं? कतार में तो ऐसे घूमने गया था। घूमने कितने दिन? कवर 2-3 महीने ऐसे कतार में, इंडिया। और अभी आप कहाँ रहते हो? अभी कहाँ रहते हो आप? अभी मैं रहता हूँ। क्या हो रहा है बोलो? ये फिर ऊ भन्छु क्या, फेरि यो आप नराम्रो हुन्छ नि।
क्या हो रहा है वो तो जे है वो कहो, आप तो लीगल है ना अभी। आए तो लेकिन अभी मैं क्या होगा तब बताऊँ बंद भन्नु न बोलिए। अभी अभी कहाँ रहता है आप? अभी मैं रहता हूँ कहाँ बताऊँ यार बोलो। किधर रहते हो तो क्यों नहीं बोलते हो? बोलिए। शिमला पहाड़ रहता हूँ। शिमला पहाड़ में क्या करते हो? शिमला पहाड़ में ये सब बोल दिया अभी। गांव में बोलता है ना खराल खनता है मैंने खड़ार 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 तो था समझता है ना खड़ार क्या है? खड़ार मृत्यु की बात बैठने जगह है। वो तो नहीं है ना वो तो आपको खड़ार कहा ज्यादा पैसा कहाँ मिलता है आपको पता है? इससे उधर खराल में मिलता है ज्यादा से पैसा खड़ार खुदने और बाल काटते है ना उसका पैसा मिलता है। पुर्चुगल में है पुर्चुगल में बहुत पैसा। क्या क्या करना है? आदमी मरता है ना खोद के गाड़ने पट्टी के नीचे दबाने का और बाल काटने सबसे ज्यादा पैसा उधर। आप गए हैं वहाँ? नहीं मेरा दोस्त था। दोस्त था तो बता ना। और संसार में नेपाली व्यक्ति के लिए कहाँ कहाँ अलग अच्छा वाला जॉब मिलते हैं? जॉब और रोजगारी जॉब नेपाली के लिए रोज तो ना भी मिल जाता है नेपाली के लिए थोड़ा कुछ पढ़ा लेगा आदमी नेपाली को जहाँ भी जॉब मिलेगा लगता है। मलेशिया में भी मिल जाता है आसानी से सब कौन से जगह में मिलता है। मलेशियन भाषा बोलते हो आप? मलाई बोलो। सातो दुआ दिया अम्पा एक दो तीन बोलते हैं सातो दुआ दिया अम्पा मलाई भाषा। और मैं आपको प्रेम करते हूँ मलेशिया इंडो उसको बोलो मलेशिया में स्पेनिश uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। और कौन कौन भाषा आती है आपको? स्पेनिश आता है मलाई में बोल गया बहुत अभी बहुत 25 साल से अभी। कैसे सीखा है स्पेनिश भाषा? आप स्पेन में तो नहीं रहते ना कि स्पेन में गए? गया है स्पेनिश आता है गया है कोई स्पेनिश भी मेरे को अच्छा आता है बोलने। स्पेन में गया है? नमस्कार क्या के छ स्पेन में रहते हो आप? स्पेनिश दे दो जहाँ भी बोले जाएगा स्पेन में मेक्सिको में स्पेनिश अने क्यूबा स्पेनिश पहुँचे हैं आप? स्पेनिश स्पेन पहुँचे भाषा वो तो बोलते हैं पूरा स्पेनिश भाषा।